देखिए एक कलाकार जीवन में कितना संघर्ष करता है, ये हमारी बेटी मिसाल है। पिछले दिनों बहुत भयंकर रूप से बीमार हो गई थी और पैरालिसिस जैसी घातक बीमारी ने इन्हें घेर लिया था, लेकिन इस बच्ची ने संघर्ष किया, उस बीमारी से हार नहीं मानी और आज आपके सामने मंच पर है। जोरदार तालियां पूनम के लिए। आप सभी को और बोल हरियाणा की पूरी टीम को मेरी तरफ से राम राम। बहुत ही अच्छा आप सबने कार्यक्रम देखा और बोल हरियाणा की टीम के साथ मैं जुड़ी भी हुई हूँ। पुन्नु कह दिया कृपया हमने और जी आइए, एक बहुत ही प्यारा किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ नल दमयंती के किस्से से। ये रागनी है बहुत ही प्यारी कि जब राजा नल सब कुछ हार गए थे, तबाह हो गए थे, तो अपनी रानी को कहने लगे कि दमयंती तू अपने घर चली जा। तो दमयंती ने बोली क्योंकि राजा की रानी इतनी बड़ी प्रजा एकले ना छोड़ के जावे तो भी मरगी और ना छोड़ के जावे तो भी मरगी। रानी बोली कि राजा दिक्कत क्या हुई? तो राजा बोले कि मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं, रखने के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए तू अपने घर चली जा। तो रानी बोली के राजा एकले ने छोड़ गए तो मैं कति नहीं जाऊंगी। आइए सुनाते हैं बहुत ही प्यारा सा ये किस्सा आपको। Okay.
कहती है कि हमारे घर चलना क्यों ना हो जाता। और देखिए उड़े सांस जमाई का नाता हरियाणा की जान हरियाणा की शान दादा लक्ष्मी चंद ने तोड़ पाड़ दिया के लिख दिया और लक्ष्मी चंद प्रेम गणा हो जाके और मने तू राम बना पर लागे ओ बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम बोलेंगे